हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इमर्स क्लासेस। पिला माने पूर्व वीडियो रे आमे समस्ते मानव चक्षु वर्ण जगत रो फर्स्ट पार्ट भल भाव रे बुझी सारचंती। आज रो वीडियो रे आमे सेकंड पार्ट विषय रे आलोचना करिबा, तो डेरी न करी वीडियो टी को स्टार्ट करिबा। सो लेट्स स्टार्ट। पिला माने तुमे समस्ते आय डोनेशन विषय रे निहाती भाव रे सुनी थिबा बा चक्षु दान विषय रे, तो वर्तमान से चक्षु दान विषय रे टिके आलोचना करिबा। चक्षु दान कोन आमर ए विकासशील पृथ्वी रे पाखा पाखी देखिबा को गले 35 नियुत लोक साधारणत दृष्टि शक्ति को हराई अछंती बा से माने जन्म रु भी अंध होई जंती, जे माने देखि परंती नाही। चक्षु दान करिबा द्वारा आमे कोन करिबा सेमानक ठारु किछि लोकंकु आमे कोन करिबा पुनर्बार ए सुंदर जगत को देखिबारे सक्षम कराई परिबा। तो जो 35 नियुत लोक आमर अंध थांदी सेमानक भितरु 45 लक्ष लोक केवल स्वच्छ पटल रे त्रुटि जोगु अंध होई थांदी। तेणु जदि स्वच्छ पटल रे त्रुटि रहिछि तेबे आमे चक्षुर जो माने आय डोनेशन करिथांती बा चक्षु दान करिथांती से नूतन चक्षुरु स्वच्छ पटल को काढ़ी तार चक्षुरे प्रतिरोपण करिबा द्वारा पुनर्बार से निजर दृष्टि शक्ति को फेरी पाई परिवो। पाखा पाखी देखिबा को गले आमर 60% जो अंध होइथांती बा जो माने देखि पारुनांती सेमानंगर बयस 12 वर्षरु कम। तेनु पिला माने जदि आमे चक्षु दान करुचंती तो जणे जदि दुईटी एक जोड़ा चक्षु दान करे तो एक जोड़ा चक्षु जण को दिया जाए ना, गोटे माने आमर एक जोड़ा चक्षु रे साधारणत दुई जण अंध निजर सुंदर जगत को से माने देखि पारिबे एवं उपभोग करि पारिबे। तेणु जदि आमे मला परे आमर चक्षु नष्ट हो जाउछि ताहले काहे कि एमानंकु दबार आमे सुजोग हाथ छड़ा करिबा। चक्षु दान हेउछि एक महत् दान, कारण मृत्यु परे जदि आमर चक्षु दुई जण अंध को ए सारा जगत को देखिबारे साहाज्य करि पारुछि तेबे आमे ए सुजोग को हाथ छड़ा करिबा नाही। तुमे माने मध्य चक्षु दान कर, मु भी मध्य भावुछि निश्चित भाव रे चक्षु दान करिबे। तेबे चक्षु दान करिबा को हेले आमकु केउ केउ विशेष केउ केउ कथा गुडी को प्रति ध्यान देबा को हेबो। प्रथम पॉइंट आमर जे कोनोसी वयसर पुरुष होवंतु किंबा महिला होवंतु समस्ते चक्षु दान करि परिबे। सेमानंकु जदि मधुमेह उच्च रक्तचाप एही प्रकार रोग होइति तथापि सेमाने कोन करिबे ना आमर चक्षु दान करि परिबे, केवल सेमानंकु संक्रामक रोग होइ नथिबा दरकार। पाखा पाखी 4 रु 6 घंटा पर्यंत आमर मृत्यु परे आमर मानव चक्षु 4 रु 6 घंटा पर्यंत बंची रहि पारे। मन रखिबो पिला माने कथाटिकु, जेतेबेले एक मनुष्यर मृत्यु होइ जाए तार चक्षु जीवित थाए, तेणु करी ता चक्षु को कोन करंती मला परे लोक माने कोन करंती बंद कर दियंती, कारण सीए सारा विशाल जगत को से समय देखि पारु थाए कारण तार चक्षु जीवित रही थाए। तेणु 4 रु 6 घंटा परे जदि आमे चक्षु को काढ़ी नौ जंती तो आउ तार कोनोसी लाभ रही नथाए, कारण चक्षु कोन नष्ट हो जाय था बैक्टीरिया मानक द्वारा। तेणु 4 रु 6 घंटा भितर ही चक्षु को काढ़ी निया जाए। निकटरे थिबा चक्षु विशेषज्ञ माने बा चक्षु चिकित्सालय रु सेमाने आसी करी कौन करती चक्षु को काढ़ी नियंती, यह पाखापाखी 10 रु 15 मिनिट रो समय नहीं था। 10 रु 15 मिनिट समय रे चक्षु को काढ़ी निया जाए। चक्षु को काढ़ी नेबा परे तुमको कौनसी मनुष्य जो मुखमंडल थाए ताहा कौनसी विकृत देखा जाए ना, आखि तो बंद रही था तेणुक जना भी पड़ी न था। तेज जो मान को संक्रामक रोग जेपर धनुष टंकार तापर कह गले आमर एड्स जलांतक हेपाटाइटिस बी बा सी एही प्रकार रोग जदि से रही तेबे सेमानंक ठारु चक्षु को ग्रहण करा जाय नथाय। जदि सेई रोग जोगु सेमानकर मृत्यु बरण मध्ये होईछि तेबे से चक्षु को ग्रहण करा जाय नाही, कारण से चक्षु रे कोन होइथाय से अणुजीव माने रहि पारंती एवं जहाँ को आमे चक्षु दबा से मध्ये सेई रोग द्वारा आक्रांत होइ पारे। तेबे चक्षु दान हेबा परे जदि कोनोसी चक्षु को प्रतिरोपण करा जाय न पारे तेबे से चक्षुर कोन करा जाय, से चक्षु को आमर जो डाक्तरी छात्र माने रहिछन्ति सेमानंकर पाठ पढ़ारे विनियोग करा जाए, सेमाने ताहाकु देखिकि चक्षु भितरे कोन कोन रहिथाय सेमाने जानिथांति। एही चक्षु जदि आमे दउछन्ति एहाकु आमर जो चक्षु बैंक रो विशेषज्ञ माने ग्रहण करन्ति, ग्रहण करिबा परे एही चक्षुर मूल्यायन करा जाए, तापरे एहा कोन करा जाए ना आमर जाहार आवश्यकता अछि सेमानंकु एहाकु दान करि दिया जाए।
तेरे पाने जी चक्षु देखते क्या को चक्षु कौन कर प्रतिरोपण कराई जो अंध मान पाखे जी चक्षु को डोनेसन कर उभयर नाम को गोपन रखा जाए। तेरे पाने आम समस्ते जान लें जे पाखापाखि जिते भी आम कौन अच्छा पैंतीस निहूता लोक अंध रही से भितर पैंतालीस लक्ष लोक आमर स्वच्छ पटल जनित त्रुटि जो अंध होता तेणुक चक्षु प्रतिरोपण द्वारा से विश्व को ए सुंदर जगत को देखार क्षमता रखी था। तो आमर जो सेमानक भितर 60% कौन होती केवल 12 वर्ष रु कम पिला तो आमको निश्चित भाव इच्छा हम जे से पिला माने निजर आगामी भविष्य में ए सारा पृथ्वी को देखी पारंतु। अच्छा तेबे यही मानव चक्षु मृत्यु परे केते समय पर्यंत बंची रही था 4-6 घंटा चक्षु को काढ़ा केते समय लगी था 10-15 मिनिट कौन आम काढ़ी देवा कि आम काढ़ी पार ना के काढ़े निकटस्थ चक्षु बैंक रु विशेषज्ञ मैंने आसी कौन कर बॉडी को से निज चिकित्सालय को लेकिन काढ़े कि घरे ही से काढ़ी ने तेरे पाने आम समस्ते आयताकार काच स्लाब प्रतिसरण विषय आलोचना करते वर्तमान आम प्रिजिम मध्य आलोकर प्रतिसरण किपर भाव हुए से विषय आलोचना करवा प्रिजिम पे समस्त भल भाव देखी थी प्रिजिम रोट उपर पांचटी पृष्ठ रही था पांचटी पृष्ठ भितर दुईट पृष्ठ त्रिभुजाकार होता बेले अन्न तीनो पृष्ठ आयताकार होता है। तेरे यही प्रिजिम मध्य किपर आलोकर प्रतिसरण हुए आरंभ करवा पिलाने एक प्रिजिम नि प्रिजिम रो पार्श्वटी त्रिभुजाकार से ही पार्श्व को ए बी सी नाम दि जाइए। वर्तमान देख यिजिम रु प्रति बुझेगा तीर्जक भाव एक रश्मि आम छाड़े जहाँकि पी क्यू रश्मि पी क्यू रश्मिटी बर्तमान आसी ए बी जो पृष्ठ को इ बिंदु कौन है आपतित है इ बिंदु बर्तमान ये रश्मिटी आपतित है। तो बर्तमान जदि आम ए प्रति एक अभिलम्ब टाणी जहाँकि एन एन डैस ए अभिलम्ब पे जाच समस्ते अभिलम्ब हूँ एक काल्पनिक रेखा। तो वर्तमान देख इ बिंदु वर्तमान पी क्यू रश्मि आसिक आपत्त नियम अनुसार यही आलोक रश्मि कौन है वायुरु एक काच माध्यम मध्य प्रवेश करुच तो वायुरु वायु एक लघु माध्यम काच हूँ एक घन माध्यम जिते बड़े आलोक लघु माध्यम रु घन माध्यम को प्रवेश कै से कौन होता ना यह अभिलम्ब आड़ पाखे आसी था। तो पिलाने लक्ष्य कर एठार आलोक रश्मिटी इच दिगरे गति करवा कथा किंतु प्रतिसरण जो यह इफ आड़ बंका इफ दिगरे गति करें पुनर्बार लक्ष्य कर जिते बड़े एफ बिंदु कौन होता है माध्यम परिवर्तन हुए काच माध्यम यह वायु माध्यम को अर्थात घन माध्यम लघु माध्यम को जाए एठारे कौन होता है ना यह अभिलम्ब दूरे जाए तो देख यह अभिलम्ब दूरे आर एस आकार रश्मिटी निर्गत है। तो पाने देख पी क्यू जरिए आम कौन कले आलोक रश्मि को छाड़े जहाँकि इच दे जीवा कथा किंतु प्रतिसरण जो यह इ रु एफ एफ रु आर एस दे यह गति कर पाने जदि एठार तुमको पचरा जाए विचलन कोण क्या कहा जाए तो लक्ष्य कर विचलन कोण आम क्या कह जो आर एस रश्मि रही आर एस रश्मिटी निर्गत हो आम को लगे आर एस रश्मिटी कौन हो एक बिंदु रु आसला पर लगे से बिंदुटी हूँ कौन जी बिंदु बुझीगला। तो यही बाट दे कि आम आलोक रश्मि जीवा कथा इच दे आर एस जो रश्मि दे कि आसी रश्मि को जदि आम लक्ष्य करवा तेज यह एक बिंदु रु आसला पर जना पड़ जि आर एस जो रही जि आर एस वर्तमान जि आर एस एवं जि एच भितर जो कोण सृष्टि हुए विचलन कोण बोली क्वाजे एंगल ऑफ डेविएशन। तेबे पिला माने तुम्हें समस्ते इंद्रधनु तो निश्चित भाव देखी थी तेबे यही प्रकृति एत सुंदर इंद्रधनु किपर सृष्टि करुच्ची कौन सूर्यालोकर ये धला रंग रही कौन सातोटी रंगर मिश्रण तेबे यह आम बुझा एक सरल परीक्षा करवा प्रिजिम मध्य एक धला आलोक को प्रवेश कराइबा। तो यहीपर भाव एक प्रिजिम संग्रह कर एक कलार कला रंगर एक पट्टी नवा कागजर पट्टी से कागजर पट्टी मझी अंश एक क्षुद्र रंध्र आम करवा रंध्र करंध्र जरिया कौन करवा आलोक रश्मि को प्रवेश कराइबा जमी आलोक रश्मि एक सरल रेखार गति कर गति करमर ये प्रिजिम रही प्रिजिम रु प्रति तीर्जक भाव रश्मि को जदि आम छाड़ा आम यार विपरीत पार्श्व कौन करवा सात प्रकार रंग को लक्ष्य
କରିବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏପରି ହୁଏ ତ ଆମେ ଜାଣିସାରିଲେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ଧଳା ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଏହା ସାତଟି ରଙ୍ଗର ମିଶ୍ରଣ, ସାତଟି ରଙ୍ଗ ମିଶିକରି ଧଳା ରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେବେ ଏଠାରେ କାହିଁକି ଏହିପରି ଭାବରେ ସାତଟି ରଙ୍ଗ ଏଠାରେ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରତିସରଣ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିମାଣର କୋଣ କରି କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏଠାରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତେବେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଆଲୋକ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବଙ୍କାଏ ଏବଂ ଅଧିକା ବଙ୍କାଇ ଥାଏ ସବା ଶେଷରେ ଥିବା ଆଲୋକ ଯାହାକି ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଲୋକ। ତେବେ ଏମାନେ ଯେହେତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିମାଣରେ ଏଠାରେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିସରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସାତଟି ରଙ୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ଏହି ରଙ୍ଗର କ୍ରମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ବାଘ ନିଶ ହନାଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ସବା ତଳୁ ଯଦି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ବାରେ ହେଇଗଲା ବାଇଗଣୀ, ଘରେ ଘନ ନୀଳ, ନିରେ ହେଇଗଲା କ'ଣ ନୀଳ, ବୁଝିଗଲା, ବାଘ ନିଶ ହଲାନାରେ ନିରେ ହେଇଗଲା କ'ଣ ନୀଳ, ସରେ ହେଇଗଲା ସବୁଜ, ହରେ ହଳଦିଆ, ନାରେ ନାରଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଲାରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ବୋଲି ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରହିଥାଏ ଯଦି ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ତେଣୁକରି ଭିବଗିଓର, ଏହି ବାଘନିଶ ହନାଲାକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଭିବଗିଓର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ। ଏହି କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ, କାଚ ପ୍ରିଜିମ୍ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସାତଟି ରଙ୍ଗ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏହି କ୍ରମ ଅନୁସାରେ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ, ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବଙ୍କାଏ କିଏ, ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଲୋକ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବଙ୍କାଏ କିଏ, ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଲୋକ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରୁ ଏହି ସାତ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ, ଯେଉଁ ଆଲୋକର ପଟି ରହିଛି ଏହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ପାଇବାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିଏ ନା ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ୍। ତ ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଜିମ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରିଜିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧଳା ଆଲୋକକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହା ସାତଟି ବର୍ଣ୍ଣରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି। ପୁନର୍ବାର ସେ କ'ଣ କଲେ, ପ୍ରିଜିମ୍କୁ ଓଲଟାଇ ଏହି ସାତଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ଏକ ପ୍ରିଜିମ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ, ଧଳା ରଶ୍ମି ପୁନର୍ବାର ଏପଟେ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ତ ଏଥିରୁ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ରହିଛି ଏହା ସାତଟି ବର୍ଣ୍ଣର ସମାହାର। ତେବେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝିବା ଆମର ପ୍ରକୃତିରେ ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କିପରି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଥାନ୍ତି ତାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ବର୍ଷାର ରହିବା ଯେଉଁ ମେଘର ଯେଉଁ ରହିଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳ ବିନ୍ଦୁମାନେ ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରିଜିମ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହାର ପୃଷ୍ଠ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠରେ ଆମର ବାୟୁ ଏବଂ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରିସୀମା ରହିଛି, ସେହି ପରିସୀମା ଠାରେ ବୁଝିଗଲା, ସେହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ଜାଗା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିସରଣ ହୁଏ, ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣ ହୁଏ। ପ୍ରତିସରଣ ହେଲା ମାନେ ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣନ ହବ, ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣନ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଲୋକର, ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଏହାର କ'ଣ ହେଲା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଲା। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରତିଫଳନ ହେବା ପରେ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ହୋଇଗଲା ପରି ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଜଳବିନ୍ଦୁକ ମାନେ ମିଶିକରି ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିକୁ ଆକାଶରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଏକ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଖରାଦିନେ ତୁମେମାନେ ଯଦି ଜଳପ୍ରପାତକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼ୁ କ'ଣ କରିବ, ପିଠି କରିବ ଏବଂ ଜଳପ୍ରପାତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରିବ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କିପରି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, ତମେ ପାଟିରେ ପାଣି ନେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପଛ କରି ଯଦି ଉପରକୁ ପାଣି ଫିଙ୍ଗିବ ତେବେ ସେଇ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଚକ୍ଷୁଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ, କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏକ ଆୟତ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିଜିମ୍ ରହିଛି, ପ୍ରିଜିମ୍ ଦ୍ୱାରା କିପରି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣ ହୋଇଥାଏ, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଧଳା ଆଲୋକ ସାତୋଟି ରଙ୍ଗର ମିଶ୍ରଣ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଆଲୋକ ଉପରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏବଂ ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।